बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बीफ का सालन और साथ में बनाऊंगी ज़ीरा राइस, जिन्हें तड़के वाले चावल भी कहते हैं। गोश्त मैंने लिया है हड्डी वाला। अदरक लहसुन है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें हैं और ये मसाले हैं कुछ, हल्दी, लाल मिर्च, ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ये जावित्री का पीस है और ये जायफल। इनसे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और जायफल जो है इससे गोश्त हमारा जल्दी गल भी जाएगा। कुछ मसाले ये हैं, नमक, धनिया पाउडर और गरम मसाला। ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने इन्हें दो हिस्सों में रखा है। गरम तेल में प्याज ऐड करेंगे। प्याज हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जैसे इसका कलर चेंज होना शुरू होगा तो हम अदरक और लहसुन ऐड कर देंगे। पंजाब का अल मशहूर और मरूफ खाना है ये, बहुत अच्छा और मज़े का बनता है। अपनी मिसाल आप है ये खाना। चावल के साथ जब भी बीफ का सालन बनाएं तो गोश्त जो है वो हड्डी वाला लें। ऐड कर देंगे टमाटर, हरी मिर्चें और गोश्त। मसाले जो हमें अभी लेने हैं, बाकी नमक, धनिया पाउडर और गरम मसाला जब हम गोश्त भूनेंगे तब हम इस्तेमाल करेंगे। अभी यही लेने हैं। कवर करके आधा घंटा पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। आधा घंटा हो गया, गोश्त ने, मसालों ने तेल छोड़ दिए। अच्छे से बुनाई होगी। ये हमारे मसाले, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, धनिया और ऐड कर देंगे गरम पानी। खाना बनाते हुए हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। कवर करके मज़ीद आधा घंटा मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। ज़ीरा राइस बनाने के लिए चावल लिए, प्याज और ज़ीरा। गरम तेल में प्याज ऐड करेंगे। सालन मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिया। प्याज का कलर हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इतने ही रखेंगे। ज़ीरा ऐड किया। पानी डालेंगे। पानी मैंने चावलों से डबल लिए। कवर करके उबाल आने तक पकने देंगे। उबाल आ गए, चावल शामिल करेंगे।
थोड़ा सा नमक, कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट फ्लेम हाई रखेंगे, फिर मीडियम कर देंगे। आठ मिनट हो गए, इस पॉइंट पे दम पे लगा देंगे। दम होगा 10 मिनट का, 5 मिनट मीडियम फ्लेम और 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम। तवा लगा दिए, सालन चावल हमारे तैयार हैं। चावल देखें आप, एक एक दाना अलग है, कलर भी बहुत अच्छा, लाइट सा कलर है। सालन भी दिखाती हूँ आपको, सालन का चूल्हा भी बंद कर दूंगी। ये देखें हमारी फाइनल लुक, बहुत ही अच्छी और मज़े की है ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर एक न्यू और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।